मजबूरन घूंघट में रहना पड़ रहा है, अपने ही घर में घूंघट करके रहना पड़ रहा है क्योंकि बानी लवली के कब्जे में, और उसने बोला है जहाँ मैंने किसी को भी कुछ बताया तो बानी की जान खतरे में आ जाएगी। तो मैं अपने मुंह पर अभी पट्टी बांधी हूँ, किसी को कुछ नहीं बता रही हूँ लवली के बारे में, और मेरी बानी सेफ है इसी वजह से। तो कहीं ना कहीं आर्यन को भी शक होना शुरू हो गया। मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता है, आई एम नॉट अवेयर। मैं बस घूंघट करके घर का काम कर रही हूँ, किसी को शक नहीं, बिकॉज रज्जो बन के घूम रही हूँ। बट मुझे नहीं पता है बिहान को शक हुआ है या बिहान लवली के साथ नाटक कर रहा है उसको प्रपोज करने का, कुछ भी किसी भी बात से आई एम नॉट अवेयर। घबराहट हो जाती है क्योंकि हिचकी आती है, तो वो बार बार सुमन भाभी भी कहीं ना कहीं इमोशनल भी हूँ, बिहान की याद आ रही है, काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ मैं उस टाइम, और चली जाती हूँ यहाँ से। तो ऐसा नहीं लग रहा है मुझे, घर वालों को लग रहा है कि मैं ही थपकी हूँ, बट एक एक बात है कि मैंने थपकी जैसा खाना बनाया, बिकॉज मैं ही थपकी, उनको नहीं पता है। एंड हिचकी आ रही है तो खाने से हिचकी बंद होती है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। बहुत दिल पे पत्थर रख के मुझे, मतलब मेरे सामने है, मैं उनको जाकर माँ को जाके हग नहीं कर सकती, माँ से कुछ कह नहीं सकती, भाभी से कुछ कह नहीं सकती, जबकि इतने टाइम से मैं उन सबसे अलग थी और इतने टाइम से एक कैद में थी। अभी बस अपने बच्चे के लिए मुझे करना पड़ रहा है, जब तक वो घर नहीं वापस आ जाते।